नमस्कार दोस्तों, आज की ये एक स्पेशल रिवीजन क्लास है जिसमें हम थर्ड पे एक मिशन से लेकर फिफ्थ पे एक मिशन तक की रिवीजन करेंगे। 2011 में हुई रिवीजन को भी रिवाइज करेंगे। ये स्पेशल क्लास उन सभी के लिए है जिनका 40th मार्च को SAS पार्ट 1 का एग्जाम है। और देखिए, इस क्लास में हम सभी रूल को डिटेल में नहीं समझा सकते हैं, डिटेल में रूल हमने पहले ही समझा दिए हैं जो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। इस क्लास में हम रूल्स को जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो हमारे उन सभी दोस्तों को फिनास्टी एकेडमी की तरफ से ऑल दी बेस्ट। क्लास को शुरू करते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, थर्ड पे एक मिशन जो है 1 जनवरी 1986 से इम्प्लीमेंट किया गया था और फोर्थ पे एक मिशन 1 जनवरी 1996 से। इसी तरह से फिफ्थ पे एक मिशन 1 जनवरी 2006 से इंप्लीमेंट किया गया था। उसके बाद आ जाती है 2011 की रिवीजन जो कि गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर की थी। तो अब हम इम्पोर्टेंट मैटर्स को इन चारों केसेस में कंपेयर करके देखेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश ना रहे। तो देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट मैटर आएगा कि जब इन केसेस में पे फिक्सेशन की जानी है तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या आएगी। तो सबसे पहले थर्ड पे एक मिशन देखते हैं। थर्ड पे एक मिशन के अकॉर्डिंग पे फिक्सेशन करने पर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट को 12 महीने बाद कर दिया जाना था। अब देखते हैं फोर्थ पे एक मिशन को। तो फोर्थ पे एक मिशन में आपने याद रखना है कि बंच इफेक्ट का बेनिफिट देना होता था। तो देखिए, जिस भी केस में बंच इफेक्ट का बेनिफिट देने के बाद पे फिक्सेशन करनी पड़ जाएगी उस केस में 12 महीने बाद डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट कर देनी है। अगर बंच इफेक्ट का बेनिफिट दिए बिना उसकी पे फिक्सेशन होती है तो उसमें इंक्रीमेंट डेट में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अगर हम बात करें फिफ्थ पे एक मिशन की, तो फिफ्थ पे एक मिशन में भी फोर्थ पे एक मिशन से जब फिफ्थ पे एक मिशन में पे फिक्सेशन की जाती थी तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट को चेंज नहीं करना था। थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1/1/86 से जब पे रिविजन करनी थी तो बेनिफिट चाहे एक इंक्रीमेंट से कम हो या ज्यादा हो, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 12 महीने बाद ही देनी है। 1/1/1996 में अगर पे फिक्सेशन बंच इफेक्ट के बिना होती है तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट चेंज नहीं करनी है। बंच इफेक्ट के साथ पे फिक्सेशन होती है तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 12 महीने बाद देनी है। अब देखिए, 1/1/2006 को, तो इसमें चाहे बेनिफिट एक इंक्रीमेंट से कम हो या चाहे ज्यादा हो, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट चेंज नहीं करनी है। अब देखिए, 1/12/2011 की पे रिविजन देखते हैं। इसमें वैसे तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट चेंज नहीं करनी है, पर अगर पे मिनिमम पर फिक्स हो रही हो और एक इंक्रीमेंट से ज्यादा बेनिफिट हो रहा हो तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट 12 महीने बाद ही दी जानी है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि अगर पे फिक्सेशन और डेट ऑफ इंक्रीमेंट सेम डेट पर आ जाए तो 1/1/1986 को पुरानी पे पर पहले इंक्रीमेंट देनी है और उसके बाद पे फिक्सेशन की जानी है। पर 1/1/1996 और 1/1/2006 को जब पे फिक्सेशन की जाती है और इंक्रीमेंट डेट सेम डेट पर आ जाती है तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन रहता है कि वो पुरानी पे पर इंक्रीमेंट लेना चाहता है या नई पे पर इंक्रीमेंट लेना चाहता है। उसके बाद आ जाता है 1/12/2011 की पे रिविजन। इसमें देखिए, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं कि पहले पे रिविजन करनी है और उसके बाद रिवाइज्ड पे पर ही इंक्रीमेंट दी जानी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसमें देखिए, प्रमोशन के रिगार्डिंग रूल्स दिए गए हैं। तो एक बात आपने याद रखनी है कि थर्ड पे एक मिशन में जो प्रमोशन के रूल थे वही फोर्थ पे एक मिशन में भी इम्प्लीमेंट रहे और फिफ्थ पे एक मिशन में ही नए रूल्स इम्प्लीमेंट किए गए थे। तो थर्ड पे एक मिशन और फोर्थ पे एक मिशन में जो रूल इम्प्लीमेंट थे उनको रीड करते हैं। थर्ड पे एक मिशन में रूल 8(1) के अकॉर्डिंग प्रमोशन होने पर 2 इंक्रीमेंट का बेनिफिट देना था और नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट 12 महीने बाद कर दी जानी थी। इसके बाद देखिए, अभी जो हम 2 प्रोविजो पढ़ने वाले हैं, प्रोविजो ए और बी, ये जो सिर्फ और सिर्फ 20 जनवरी 2003 तक इंप्लीमेंट रहे। उसके बाद रूल 8(1) के अकॉर्डिंग ही प्रमोशन की डेट पर 2 इंक्रीमेंट का बेनिफिट और नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट 12 महीने बाद का रूल ही इंप्लीमेंट था। तो अब जो प्रोविजो 20 जनवरी 2003 तक इंप्लीमेंट रहा उसको रीड करके देखते हैं। उसमें देखिए, जो प्रोविजो ए था वो एज इट इज रूल 8(1) की तरह ही था, प्रमोशन की डेट पर 2 इंक्रीमेंट और नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट 12 महीने बाद। अब प्रोविजो बी देखते हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट है। प्रोविजो बी के अकॉर्डिंग प्रमोशन की डेट पर 1 इंक्रीमेंट का बेनिफिट देना था
और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर 2 इंक्रीमेंट का बेनिफिट देना था। पर आपने याद रखना है कि जब भी प्रमोशन होने पर इंक्रीमेंट्स का बेनिफिट दिया जाता है वो ओल्ड पे पर दिया जाता है और रिवाइज्ड पे पर इंक्रीमेंट का बेनिफिट प्रमोशन होने पर नहीं दिया जाता है। इसको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझ लेना है ताकि एग्जाम में कोई गलती ना करो आप। और इस रूल 8 में एक खास बात ये थी कि आपने ध्यान रखना था कि क्या ACP का बेनिफिट पहले अवेल किया है या नहीं किया है। अगर तो ACP का बेनिफिट पहले अवेल कर लिया गया है तो 2 इंक्रीमेंट वाला ऑप्शन नहीं देना है। और साथ में ही अगर प्रमोशन की डेट पर भी पे फिक्सेशन हो रही है और साथ में ये भी याद रखना है कि ACP का बेनिफिट अगर ले लिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन की डेट पर 1 इंक्रीमेंट का बेनिफिट देना है। और फोर्थ पे कमीशन में अपने प्रमोशन के रूल ना होने की वजह से थर्ड पे कमीशन वाले ही रूल फॉलो किए जाते रहे हैं। अब देखिए अभी तक 6th पे कमीशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ और 5th पे कमीशन की रिकमेंडेशन ही चल रही है। तो 5th पे कमीशन में प्रमोशन के रूल्स को रीड करते हैं तो उसमें देखिए अगर कोई एम्प्लॉई कोई भी ऑप्शन नहीं देता है तो उसकी जो पे रिवीजन है प्रमोशन होने पर रूल 11 क्लोज 1 के अकॉर्डिंग की जाती है, उसमें 1 इंक्रीमेंट और हायर पोस्ट का ग्रेड पे दे दिया जाता है और हायर पोस्ट के स्केल के मिनिमम से कम पे बनती है इंक्रीमेंट देने के बाद भी, तो उसको मिनिमम पर फिक्स करना होता है। इस बात को आपने याद रखना है कि जो इंक्रीमेंट हम दे रहे हैं वो मिनिमम पर फिक्स करने से पहले दे रहे हैं, पुरानी पे पर दे रहे हैं। ऐसा नहीं आपने कर देना है कि पहले मिनिमम पर फिक्स कर दो और उसके बाद इंक्रीमेंट दे दो तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए हम रूल रीड करेंगे जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 2 ऑप्शन दिए गए हैं चूज करने के लिए प्रमोशन होने पर। वो दिए गए हैं रूल 11 क्लॉज 3 और रूल 11 क्लॉज 4 में। रूल 11 क्लॉज 3 एज इट इज रूल 11 क्लॉज 1 की तरह ही है, प्रमोशन होने पर 1 इंक्रीमेंट और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 12 महीने बाद। और ऐसे ही अगर हायर स्केल के मिनिमम से कम पे बनती है तो उसको मिनिमम पर फिक्स करना होता है। उसके बाद देखिए रूल 11-4 काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बेनिफिट होता है कि पहले जो प्रमोशन पर है कोई भी इंक्रीमेंट नहीं देनी है और हायर पोस्ट का ग्रेड पे दे देना होता है और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर 2 इंक्रीमेंट्स देनी होती हैं। पर आपने याद रखना है कि जो 2 इंक्रीमेंट्स दी जाती हैं वो पुरानी पे पर दी जाती हैं। इसको हम डिटेल में नहीं समझेंगे, आप जो चैनल की प्लेलिस्ट पर वीडियो है अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो उसमें डिटेल में पहले जाकर देख लीजिएगा। और आपने ये भी याद रखना है कि जब भी एम्प्लॉई ने डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर पे फिक्सेशन करने के लिए ऑप्ट किया है तो आपने देख लेना है कि क्या उस गवर्नमेंट एम्प्लॉई की पे फिक्सेशन करने पर मिनिमम पर फिक्स तो नहीं हो रहा है और मिनिमम फिक्स होने के कारण 1 इंक्रीमेंट से ज्यादा का बेनिफिट तो नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि उसकी रूल 11 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग पे फिक्सेशन हो गई है तो उसको ऑप्शन देने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई की प्रमोशन होने पर हायर स्केल के मिनिमम पर पे फिक्स होती है और उसको 1 इंक्रीमेंट से ज्यादा का बेनिफिट होता है तो उसका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर 2 इंक्रीमेंट लेने का ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इंक्रीमेंट्स अनरिवाइज्ड पे पर देनी होती है, ये आपने याद रखना है, इसको भी आप प्रैक्टिकली जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए हम पे कमीशन आने पर 1/1/1986, 1/1/1996, 1/1/2006 से कैसे पे रिवीजन की जाएगी उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको चाहिए कि आप रेडी रैकनर की हेल्प से ही एग्जाम में सॉल्व करो ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। फिर भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो 1/1/1986 में था वो पे DA, DP, IR और पे कमीशन का बेनिफिट 10% दिया गया था और 1/1/1996 में पे DA, IR 150 या 200 रूपए 3500 से कम या ज्यादा होने पर, और उसके बाद सेकंड IR 10% ऑफ बेसिक पे और पे कमीशन बेनिफिट 40% दिया जाना था। और 1/1/2006 में कन्वर्जन फैक्टर 1.86 इंप्लीमेंट था और साथ में फिटमेंट टेबल्स दिए गए थे। अब देखिए हम एक इम्पोर्टेंट रूल पढ़ने वाले हैं, इसको आपने याद रखना है कि जब 1/1/1986 में कन्वर्जन करने के बाद पे जो है मैक्सिमम से भी ज्यादा हो जाती थी तो उसको एक्स ग्रेसिया ट्रीट करके फिक्स कर दिया जाता था, पर 1/1/1996 और 1/1/2006 को पे फिक्सेशन करते टाइम अगर पे मैक्सिमम से भी ज्यादा हो जाती थी तो उसको पर्सनल पे बना दिया जाता था जो कि फ्यूचर इंक्रीमेंट्स के साथ एब्जॉर्ब की जानी थी। अब देखिए हम पे फिक्सेशन के रिगार्डिंग कुछ जर्नल पॉइंट्स रीड करेंगे जो हर पे कमीशन में इंप्लीमेंट होंगे। जैसे कि ACP की डेट और इंक्रीमेंट डेट सेम डेट पर आ जाए तो पहले इंक्रीमेंट देनी है और उसके बाद ACP की इंक्रीमेंट देनी है।
इसके बाद देखिए जब भी कभी स्केल चेंज होगा एम्प्लॉय का तो उसकी जो पे है नेक्स्ट स्केल के मिनिमम पर ही फिक्स की जाती है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन थी जो कि थर्ड पे कमीशन में न्यू मास्टर स्केल आने पर इम्प्लीमेंट की गई थी। न्यू मास्टर स्केल इम्प्लीमेंट किया गया था 1/1/1993 को और पुराने मास्टर स्केल से नए मास्टर स्केल में आने पर एडिशनल पे बनाई गई थी लोअर स्टेज देकर। अब थोड़ा सा एसीपी स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं। 1/1/1986 से 8 साल 18 साल इंक्रीमेंट आई थी, 8 साल पूरे होने पर इंक्रीमेंट और 18 साल पूरे होने पर भी एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट ही दिया जाना था। 1/1/1996 में 8 साल 16 साल 24 साल और 32 साल एसीपी स्कीम लाई गई थी। 8 साल और 32 साल पर इंक्रीमेंट और स्केल, 16 साल और 24 साल पर सिर्फ एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया जाना था। 1/11/2006 से 4/9/2014 एसीपी स्कीम्स लाई गई थी, इसको 1/12/2011 से मॉडिफाई किया गया था। तो 1/11/2006 से 4/9/2014 साल में इंक्रीमेंट और स्केल्स का बेनिफिट दिया जाना था, पर 1/12/2011 से सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट्स का बेनिफिट रहने दिया गया और स्केल्स का बेनिफिट खत्म कर दिया गया। एसीपी के रिगार्डिंग आपको कंडीशन का पता है कि उसका सर्विस रिकॉर्ड गुड होना चाहिए जो कि एसीआर से पता चलता है। और इसके रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कोई क्लर्क 4 साल की एसीपी लेने के बाद एज ए जूनियर असिस्टेंट प्लेस कर दिया जाता है और उसको एक इंक्रीमेंट से ज्यादा का बेनिफिट हो जाता है तो उसकी जो 9 ईयर एसीपी है वो उसकी प्लेसमेंट की डेट से फिर से 9 साल काउंट करके दी जाएगी। दोस्तों बाकी जो टॉपिक बचे हैं वो इस वीडियो के दूसरे पार्ट में कवर करते हैं, अभी तक इस वीडियो को हम अपलोड कर देते हैं।